ये खबर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमलनाथ जी जिस छिंदवाड़ा मॉडल की दुहाई देते नहीं थकते, ये उसकी पोल खोल के रख देती है। छिंदवाड़ा के नाम पर राजनीति करने वाले आजादी के इतने सालों बाद भी कुछ ग्रामीणों को एक सड़क तक नहीं दे पाए हैं। ये है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा मॉडल का सच। देश को आजादी मिल गई, लेकिन ग्रामीणों को इतने बरस बाद भी एक अदद सड़क नहीं मिल पाई। परासिया जनपद के उर्धन ढाना गांव में लोग सालों से एक सड़क के लिए नेताओं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। छिंदवाड़ा के तमाम ग्रामीण इलाकों में ऐसा ही हाल है। यहां के लोग सालों से सड़क के नाम पर कष्ट भोग रहे हैं। नेता आते हैं इलाकों में और वोट मांगकर चले जाते हैं। उधनढाना के लोग इस गांव में रहकर सालों से विकास की राह देख रहे हैं। पिछले 40 सालों से सड़क और नाली की शिकायत की जा रही है, लेकिन यहां सुनने वाला कोई नहीं। अचानक एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने के बाद जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, तो बुजुर्ग को ग्राम के कुछ लोगों ने लटका कर सहारा दिया, जिसके बाद एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन सड़क नहीं होने से 2 से 3 किलोमीटर तक बुजुर्ग को कभी पैदल तो कभी मोटरसाइकिल का सहारा लेना पड़ा। समस्या ये हमारी कि कई बार विधायक लोग आते हैं, चुनाव के समय में आते हैं और वो हाथ उठा उठा कर बोलते हैं, कहते हैं कि हम रोड बनवा देंगे, सैंक्शन हो चुका है, कल काम चालू हो रहा है। ये प्रतिनिधि बोलेगा, जो रिटायरमेंट जो प्रतिनिधि है आने भूतपूर्व, वो भी कहते हैं कि तुम्हारा काम सैंक्शन हो गया, रोड का काम सैंक्शन हो चुका। कितने दिनों से बोला जा रहा है ये? कितने दिनों से नहीं बोला, हमारी तो उम्र 58-60 साल की होने जा रही है। कई सरपंच चले गए यहाँ पे, आज भी वर्तमान में जो सरपंच है वो अभी तक के उसने कोई काम नहीं किया है। नहीं, हम माने भूतपूर्व भी है तो वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या किसको बताएंगे, किसके पास जाएंगे, कौन सा विधायक है? ताराचंद बावर या राय या सोहन वाल्मीकि है, उसने क्या किया अभी करंट में है? तो इसकी शिकायत आपने कहां कहां कई किया? बार कर दे, कई बार सोहन बांध भी कहा, ताराचंद बावर ये आया, आज तक किसी ने काम नहीं किया। कहते हैं कि बस चालू हो गया तुम्हारा काम, फलाने तारीख होगा। विधायक लोग हैं, क्षेत्रीय विधायक लोग, इनको शर्म नहीं लग रही है कि ताकि ये रोड की क्या समस्या है? उधर नाना ग्राम है जिसमें ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है। 2 किलोमीटर रोड का निर्माण कार्य होना है, इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और वर्तमान समय में रोड का काम न होने का ग्रामीणों को आने जाने में काफी अव्यवस्था हो। उर्धन ग्राम और उसके आसपास के ग्रामीण विकास की राह देख रहे हैं और ग्राम के सरपंच सचिव इस ओर ध्यान नहीं देते। ग्रामीणों द्वारा बार बार आवेदन और मौखिक शिकायत करने के बाद भी ग्राम के सरपंच और सचिव सड़क की गाथा अधिकारी या विधायक पर टाल देते हैं। उर्धन ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने सड़क न बनाए जाने पर एक उग्र आंदोलन की बात कही है। इस इलाके के गांव वालों का कहना है कि इस बारे में कमलनाथ तक को बताया जा चुका है, लेकिन सड़क फिर भी नहीं बन पाई। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।